अक्सर आप लोगों ने हाईवेज पर चलती हुई ट्रकों को देखा होगा, उनके बीच में जो टायर्स होते हैं वो कुछ टायर्स होते हैं जो उठे हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी इसे सोचा है? ऐसा क्यों होता है जानते हैं इसका जवाब। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ऐसा है कि ट्रक के बीच का व्हील उठा हुआ क्यों होता है, क्या आप जानते हैं, कभी इसके बारे में सोचा या फिर समझा है आपने? नहीं तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मांजरा। आपने अक्सर हाईवे पे लंबी लंबी ट्रकों को चलते हुए देखा होगा और उसी के साथ उसमें लगे एक्स्ट्रा के व्हील्स यानी टायर्स भी देखे होंगे, जैसे आप अभी इस इमेज में देख ही पा रहे हो। और ये या ज़मीन या रोड से थोड़ा ऊपर की साइड ट्रक के साथ ही लटक के चलते हैं, मतलब वहाँ पे फिक्स होते हैं। और इसे बेसिकली लिफ्ट एक्सेल कहते हैं, इसे और भी नामों से जाना जाता है। वैसे अगर डिट्रैक्टेबल एक्सेल कहा जाता है, उसके बाद ड्रॉप एक्सेल कहा जाता है, और भी दो तीन नाम हैं इसके, तो तरह तरह के ऐसे नाम होते हैं। और वही ये पूरा का पूरा सिस्टम ट्रक के अंदर एक हाइड्रोलिक सिस्टम से लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से ट्रक का ड्राइवर कभी भी ज़रूरत पड़ने पर इन एक्स्ट्रा टायर्स को यानी इस ड्रॉप एक्सेल को जब चाहे नीचे कर सकता है, जब चाहे ऊपर कर सकता है। लेकिन सवाल तो अब भी वही उठता है कि इन एक्स्ट्रा टायर्स को कब नीचे किया जाता है और कब ऊपर उठाया जाता है। अब देखो ऐसा है कि हर ट्रक की अपनी एक कैपेसिटी होती है वजन उठाने की। तकरीबन 8 से 10,000 किलो तक का वजन ये ट्रकें अपने ऊपर लेकर चलते हैं। अब जब किसी ट्रक में ज़्यादा से ज़्यादा लोड हो तो उसे हाईवे पे चलने के लिए उस वजन को सभी टायर्स पे एक समान, जैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। मतलब जितने ज़्यादा टायर्स ट्रक के नीचे लगे होंगे उतनी ही ट्रक की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सेंट्रल ग्रेविटी उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अब ऐसे समय ही उन एक्स्ट्रा टायर्स को हाइड्रोलिक सिस्टम से जो ट्रक के अंदर लगा हुआ होता है उसकी मदद से नीचे किया जाता है, जिससे ट्रक को भारी लोड उठाने में साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो जाती है। तो ये है रीज़न उन टायर्स का। फिर भी अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो इन ड्रॉप एक्सेल वाले टायर्स को हमेशा ही नीचे रखकर क्यों नहीं चलाया जाता? तो दोस्तों देखो ऐसा है कि जब भी ट्रक खाली हो या कम लोड उसमें भरा हो तो इस ड्रॉप एक्सेल को ऊपर करके ट्रक को चलाया जाता है, क्योंकि ट्रक के एक्स्ट्रा टायर्स को ट्रक के साथ चलाने के लिए एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे फ्यूल भी ज़्यादा जलता है। साथ ही ट्रक के टायर्स रोड पे चल चल करके घिसने लग जाते हैं। वही अगर ये ड्रॉप एक्सेल नीचे कर रखा हो तो जो ट्रक का टर्निंग रेडियस है यानी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, घाट होते हैं, उसमें घूमने के लिए भी ज़्यादा जगह लगती है, तो टर्निंग रेडियस बढ़ जाता है बेसिकली। यानी किसी मोड़ पे ट्रक को मोड़ने के लिए ज़्यादा जगह लगती है, जैसे मैंने अभी कहा। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से इस ड्रॉप एक्सेल को हमेशा नीचे रख के नहीं चलाया जा सकता। मुझे लगता है मैंने आपके इस सवाल का जवाब प्रॉपरली दे दिया है। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। इसी के साथ अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास किसी भी तरह की कोई कार है या फिर व्हीकल है और उन सभी से रिलेटेड किसी तरह के सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।